नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। अगर बात करें खासकर दिल्ली की, तो बहुत से एनजीओ आए दिन खुलते जा रहे हैं दिल्ली में। नए नए प्रकार के एनजीओ और अलग अलग पीढ़ी में वो काम करते हैं, चाहे एआर फाउंडेशन हो, उन्नत भारत हो, ऐसे तकरीबन बड़े से बड़े एनजीओ चल रहे हैं दिल्ली में। लेकिन इन सबसे हटकर एक बहुत बड़ा एनजीओ और ट्रस्ट परिवार ट्रस्ट के नाम से चलाया जा रहा है साउथ दिल्ली पलापुर में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परिवार ट्रस्ट के प्रेसिडेंट यौवन शर्मा जी के साथ, जो काफी वर्षों से समाज सेवा में उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ करा हुआ है। चाहे गौशाला की सेवा हो, चाहे गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हो, बहुत सी समाज सेवा में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं और खासकर गरीबों के लिए हमेशा से ये समाज सेवा करते आए हैं। छोटी छोटी बच्चियों की हेल्प करना, गरीबों को भोजन देना, गरीबों के परिवार के लिए हेल्प करना, हमेशा से ही इनका जीवन समाज सेवा में रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बार बदरपुर विधानसभा की जनसंख्या इनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, क्योंकि बदरपुर विधानसभा की जनता ये चाहती है कि उनके बीच में कोई ऐसा कैंडिडेट आए जिसने वाक्य में ही समाज की सेवा करी हो। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। समाचार 24 का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि परिवार ट्रस्ट के आप प्रेसिडेंट हैं, इतना ज्यादा न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, सूत्रों के द्वारा से पता लगता रहता है कि परिवार ट्रस्ट, चाहे गौशाला की सेवा हो, चाहे गरीबों को एनजीओ के कपड़े बांटने हो, चाहे लेडीज के लिए सैनिटरी पैड्स का वितरण करना हो फ्री में स्लम्स में जाके, परिवार ट्रस्ट की आपने स्थापना कब करी और क्या सोच के करी? देखो, समाज सेवा हम काफी समय से कर रहे थे। परिवार ट्रस्ट के बारे में पिछले 3 साल से हम परिवार ट्रस्ट का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ इसमें 5 जने और जुड़े हुए हैं, श्रीमती पद्मा भाटिया जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, मैं खुद हूँ, के जी हैं। हम 3-4-5 जनों का एक ग्रुप है। हमको बड़ी पीड़ा होती थी जब हम ये देखते थे कि सड़कों पे जो है गाय जो है कूड़ा खा रही है। तो हम जब आपस में बैठ के विचार कर रहे थे भाई इसके लिए कुछ किया जाए, तो हम सब ने बैठ के संकल्प किया कि जब का हमें अपनी तरफ से कोई इसका कोई समाधान ना करें, जब का हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हम उसी दिन गए, एक हमने रिक्शा खरीदी मदरपुर जाके, और उस रिक्शा को हमने बनवाया और हमने संकल्प लिया कि घर घर से एक एक रोटी लोगों से लेके और जगह जगह हम जो है बिल्स लगाएंगे, बाथरूम टब्स वाले जो बिल्स हमने वो लगा रखे हैं। तो हमारा आदमी जाता है, रोटियां कलेक्ट करता है और वो बिन्स में जो है वो रोटियां डालता है और गौ माता जो है वो रोटियां खाती हैं। जगह जगह अपने पानी की पीने की उनकी व्यवस्था कर रखी इस क्षेत्र में वो टब्स लगा के। तो एक हमारा ये कार्य जो है डेली बेसिस पे चल ही रहा है। हमारी परिवार ट्रस्ट की तरफ से हम डेली योगा जो है एक हमने सेंटर बना रखा है, वहाँ पर डेली योगा होती है और वो योगा श्रीमती पद्मा भाटिया जी कराती हैं। बहुत अच्छी योगा टीचर हैं वो, और उनका भी अपना जीवन पूरी समाज सेवा में लगा रखा है। सर, एक बात और सुनने में आई है कि परिवार ट्रस्ट के द्वारा रोज भंडारा भी किया जाता है, गरीबों जो गरीब उसमें खाना खाते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनसे उनका पेट चलता है। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सी फैमिली का पेट आप रोज परिवार ट्रस्ट पाल रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमारा डेली भंडारा करता है चलता है। इसकी प्रेरणा हमारे ट्रस्ट के मेंबर भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, जो वैश्य एकता परिषद के प्रधान भी हैं पूरी दिल्ली के, उनका डेली एक भंडारा चलता है मेडिकल पे। तो उन्होंने हमसे ये बोला यार क्यों ना परिवार ट्रस्ट जो है यहाँ पे भी इस क्षेत्र में भी डेली भंडारे की व्यवस्था करे। तो हमारा हमने संकल्प किया और उस दिन से हमने जो है डेली हमारा भंडारा चलता है। और भंडारे चलने के अलावा हमने एक संकल्प और किया था कि प्लास्टिक वेस्ट जो है प्लास्टिक यूज हम ना किया जाए। तो हम जो है भंडारा जो है स्टील की प्लेटों में लोगों को खिलाते हैं और वो प्लेटें फिर धुला के फिर वापस हम रखते हैं। पूरा हाइजेनिक का ख्याल रखा जाता है और नो प्लास्टिक के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा हमारा ट्री प्लांटेशन का पर्यावरण के ऊपर जो है ट्री प्लांटेशन का हमने बहुत मेजर ड्राइव शुरू किया। करीबन 5,000 पेड़ हमने लगाए, पीछे अपने सारे सरकारी स्कूलों में, हरियाणा में जाके हमने लगाए, यहाँ से 100-100 किलोमीटर दूर जाके भी हमने वो पेड़ लगाए। जहाँ से भी हमें डिमांड आती थी तो हम वहाँ पे जाके प्लांटेशन ट्री प्लांटेशन भी करते। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पेड़ों के बारे में जिसको भी कहीं पे भी ट्री प्लांटेशन करानी हो वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकता है। हमारी संस्था पूरी दिल्ली में, अभी हमने पीछे करोल बाग में भी जाके वहाँ से कुछ लोगों ने संपर्क किया था, तो हमने वहाँ पे भी जाके ट्री प्लांटेशन करे थे। और भी कोई हमसे ये चाहता है कि हम उनके एरिया में आके ट्री प्लांटेशन करें
तो हम बिल्कुल तैयार हैं और तत्पर हैं। सर अंत में एक ही सवाल जरूर रहेगा और उस मुद्दे पर चर्चा भी खासकर होगी, बदरपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे दो पूर्व विधायकों के नाम पर वोट पड़ते थे, कांग्रेस से राम सिंह नेताजी और बीजेपी से रामवीर सिंह भदौड़ी जी, दोनों के दोनों अब दोबारा मैदान में पूछ चुके हैं, लेकिन बदरपुर की जनता आपका नाम चाह रही है कि आपको वहां से चुनाव लड़ाना चाह रही है आम आदमी पार्टी से, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए इसमें दो राय नहीं है कि बदरपुर विधानसभा में राम सिंह नेताजी और रामवीर भदौड़ी जी काफी समय से क्षेत्र की राजनीति करते आए हैं, हम जैसे लोग उनके सामने हमारा जन्म हुआ, हमने देखा उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है और मैं बदरपुर गांव का रहने वाला हूं। हमारे परिवार से प्रेरणा मिली थी कि समाज सेवा करने का और उसी प्रेरणा को आगे लेके जो है पिछले काफ़ी समय से मैं समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूं, विभिन्न ट्रस्टों का संचालन भी कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। बदरपुर क्षेत्र से अभी मैं पीछे कुछ दिन पहले मेरी तबीयत नासिर थी तो बदरपुर क्षेत्र के लोग मेरे पास आए काफ़ी, उन्होंने कहा जी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप बदरपुर क्षेत्र में आइए और कुछ कमान संभालिए, सरकार के भागीदारी बन के आप और अच्छा काम कर सकते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, सच्चे और ईमानदार लोगों की, जो केवल चुनाव लड़ने के लिए सच्चे और ईमानदार ना रहें, चुनाव जीतने के बाद भी सच्चे और ईमानदार रहें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, अगर जो पार्टी डिसीजन लेगी चुनाव लड़ाने के लिए तो डेफिनेटली हम इस चीज़ से पीछे नहीं रहेंगे, ये पार्टी का डिसीजन हो सकता है कि उसको क्या डिसीजन लेना है, वरना समाज सेवा में जो आनंद आ रहा है उससे तो अच्छा आनंद किसी चीज़ में नहीं। सर बहुत बढ़िया बात है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल रखूंगा उस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, जिससे ऑलरेडी बदरपुर विधानसभा में इतने कैंडिडेट्स आ रहे हैं सामने, जैसे अनिल शर्मा जी हैं, श्रीचंद बोरा जी हैं, राम सिंह नेताजी भी सूत्रों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, और चौथे कैंडिडेट और जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो आप हैं, तो क्या लगता है? मुझे नहीं पता सोशल मीडिया में कौन वायरल कर रहा है, अगर जो वायरल हो रहा है क्षेत्र में तो कोई ना कोई कुछ खूबी या कुछ क्वालिटी उन्होंने देखी होगी, और क्षेत्र के लिए किसी भी समाज की सेवा के लिए यौवन शर्मा कभी पीछे नहीं रहा है, और ठीक है कैंडिडेट्स चुनाव होते हैं, हर पार्टी के कैंडिडेट्स निकलते हैं आते हैं जिनको चुनाव की इच्छा होती है, मेरी चुनाव लड़ने की ऐसी कोई मन से कोई इच्छा नहीं है। अगर सर विधायक बन जाते हैं और जनता जिता देती है, जनता का प्यार आपके साथ है, पार्टी आपको टिकट दे देती है, सबसे पहली चीज बदरपुर विधानसभा से क्या मुक्त करेंगे? क्योंकि बहुत से नेता 10-10, 15-15 सालों से वादे करते आए हैं लेकिन मुक्त कुछ भी नहीं हुआ। देखिए बदरपुर विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने को मिली है वो ये है कि जीतने के बाद जो भ्रष्टाचार का जो आरोप है विधायकों के खिलाफ जो लगता है वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पब्लिक जो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, और मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये रहेगी कि अगर जो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि पब्लिक की उम्मीदों पे खड़ा ना उतरे तो उसको वापस चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि पब्लिक जो एक ईमानदार और अच्छी छवि का जो एक विधायक चाहती है उसे पूरा खड़ा उतरने का, पब्लिक जो मान सम्मान चाहती है अपने नेता से वो देने का, बाकी कार्य जो एमएलए के होते हैं वो तो सभी एमएलए करते हैं, विकास का तो सभी काम करते हैं, विकास की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पब्लिक के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है भ्रष्टाचार मुक्त नेता होना चाहिए और मान सम्मान देने वाला नेता होना चाहिए। क्या संदेश रहेगा सर? विधानसभा चुनाव नजदीक है, 3 महीने रह चुके हैं और बदरपुर विधानसभा में महासंग्राम छिड़ चुका है, दोनों के दोनों पूर्व विधायक मैदान में कूदने को तैयार हैं और तीसरे आप हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? क्या इस बार दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के विधायक दोबारा आएंगे? देखिए जिस प्रकार से दिल्ली सरकार पिछले 5 साल से कार्य कर रही है, 4.5 साल से, इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने हर वर्ग के लिए कार्य किया है, चाहे मध्य वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो या अग्रिम वर्ग हो, उन्होंने दिल्ली को एक नए रूप में एक नया सपना लेके जो चले थे, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे पॉल्यूशन की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, तो वो हर मुद्दे पे उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली निवासियों की बातों को सुन के और कुछ ना कुछ उसको हल करने की अपने प्रयासों से कोशिश करी है। कुछ जो कॉन्सेप्ट वो जो लेके आए हैं वो वक्त में पीछे काफ़ी सरकारें हमने देखी हैं राजनीति में, वो कॉन्सेप्ट पता नहीं कोई लेके ही नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज जिस प्रकार से
आपके घर के दरवाजे के सामने एक मोहल्ला क्लिनिक एक MBBS डॉक्टर बैठों को मिल जाता है, फ्री में आपको दवाइयां मिल जाती हैं, तो मेरे को लगता है कि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए, जिस हिसाब से आजकल मेडिकल कॉस्टली हो रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से इन्होंने स्कूलों का रीडेवलपमेंट शुरू किया है, केवल ना केवल बच्चों के विकास की बात करी है इन्होंने, टीचरों के भी विकास की, और टीचरों को भी अच्छी जो है ट्रेनिंग देने का जो सिलसिला जो शुरू करा है, ये जो संवाद जो टीचर और बच्चों के बीच में नहीं था उसको अच्छा करने की जो कोशिश करी है इन्होंने SMC के थ्रू, वो एक वाकई में सराहनीय है, और मनीष जी इसके लिए वाकई में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है जिस तरह से यौवन शर्मा जी काम कर रहे हैं, और परिवार ट्रस्ट साउथ दिल्ली में इतने बड़े पैगाम पर चलाया जा रहा है। परिवार का मतलब ही होता है कि सब एकजुट के काम करें, उसी को परिवार कहते हैं, चाहे वो हमारे घर का हो चाहे 10-12 लोग सहयोग कर एक काम को अंजाम दे। और आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके वहाँ पर प्लांटेशन नहीं है और आपके यहाँ पे आसपास पेड़ पौधे नहीं है, तो आप परिवार ट्रस्ट के माध्यम से आप अपने वहाँ पर प्लांटेशन करवा सकते हैं। रोज परिवार ट्रस्ट के द्वारा भंडारा होता है मेडिकल हॉस्पिटल के सामने, यहाँ की एम्स के सामने। और सबसे बड़ी बात, बदरपुर विधानसभा यौवन शर्मा जी को जिताना चाह रही है कि ऐसे समाज सेविक जो जनता के हित में काम करें, जनता के सुख दुख को समझे, आने वाले चुनाव फैसला करेंगे कि जनता किसको अगला विधायक चुनकर बदरपुर विधानसभा में उतारती है। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, और मैं कैमरामैन सोहेल के साथ हनी सहगल।